मैं आ गया हूँ डिस्प्ले के पास, ये देख रहे हैं आप लोग, इसका मैं कवर खोल लेता हूँ। ये इसका कंट्रोल पैनल है और यहाँ पे देखें आप लोग, ये हमारा सामने डिस्प्ले है। ये क्या रहा है, सिस्टम वन सिस्टम टू दोनों स्विच ऑफ दिखा रहा है। योर चिलर का ऑपरेशन कैसे होता है? जी हाँ, योर चिलर ऑपरेशन, हम लोग किसी भी चिलर को, अगर योर का चिलर है, खास करके मेरे पास अभी योर का चिलर है, आप लोग योर के बारे में पता होगा, अलग अलग कंपनी का अगर कैरियर का चिलर है या डाइकिंग का चिलर है या कोई और ट्रेन का चिलर है तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन इसी टाइप से होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे इसका ऑपरेशन कैसे करें और इसमें टोटल डिटेल्स होगी आपको, टेम्परेचर सेट पॉइंट से लेके डिफरेंस टेम्परेचर, लिविंग वाटर टेम्परेचर, इंट्रिंग वाटर टेम्परेचर, अलार्म है उसको कैसे रीसेट करें, और इसका जो टाइमर है उसको कैसे कैंसिल कैसे करें, और इसका डिफरेंस टेम्परेचर कैसे सेट करें, और कंप्रेसर का जो क्रैंकेस हीटर होता है उसका टेम्परेचर कैसे चेक करें, प्रेशर जो कंप्रेसर का होता है गैस का उसको कैसे चेक करें, डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग जितना भी इसके बारे में ना सब कुछ हम लोग आज जान लेंगे। और ये वीडियो हमारे सभी भाइयों के लिए होने वाली है, चाहे वो इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर जो भाई ऑपरेटर हो या फिर जो भाई काम करते हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फिर नोटिफिकेशन पर क्लिक करके और फिर सेलेक्ट करते हैं, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी जरूरत हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्त, ये योर का चिलर है, यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है, और ये 338 टन का है, 338 TR है, और इसमें तीन कंप्रेसर है। तो मैं आ गया हूँ डिस्प्ले के पास, ये देख रहे हैं आप लोग, इसका मैं कवर खोल लेता हूँ, ये इसका कंट्रोल पैनल है, और यहाँ पे देखें आप लोग, ये हमारा सामने डिस्प्ले है। ये क्या रहा है, सिस्टम वन सिस्टम टू दोनों स्विच ऑफ दिखा रहा है, और सिस्टम थ्री भी है इसमें, अगर हम स्टेटस को दबाएंगे सिस्टम थ्री भी दिखाएगा। ये देखिए सिस्टम थ्री भी स्विच ऑफ दिखा रहा है, मतलब स्टेटस, सबसे पहला जो मेरा फंडा है वो स्टेटस, स्टेटस चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो स्टेटस क्या है कंप्रेसर का, कंप्रेसर किस हाल में है, अभी चल रहा है या ट्रिप हो गया या टाइमर पे है, वो सारी डिटेल हमको स्टेटस से मालूम चल जाएगी। चिलर का स्टेटस है ये। अगर हम बात करें कि हमारा कंप्रेसर कितने लोड पे चल रहा है, लोडिंग अनलोडिंग होता है ना उसी टाइप से, कितने लोड पे चल रहा है, तो लोडिंग अनलोडिंग होता रहता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कंप्रेसर का। तो हमको चेक करने के लिए यहाँ से मोटर करंट दबाएंगे। ये देखिए मैंने मोटर करंट गया दबाया तो कंप्रेसर वन कंप्रेसर टू कितना दिखा रहा है, 0 FLA, मतलब फुल लोड एम्पियर है। यहाँ से आपको परसेंटेज दिखा रहा है कि इतना परसेंट चल रहा है, ये 70% 80% तक जाता है, कोई कोई 90% भी जाता है, 100% भी जाता है। तो उस हिसाब से कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर 40% चल रहा है, 50% तक चल रहा है तो वो कंप्रेसर के अकॉर्डिंग वो चलता रहेगा। और यहाँ से सिस्टम कंप्रेसर वन कंप्रेसर टू और यहाँ से कंप्रेसर थ्री आप लोग मोटर करंट चेक कर सकते हैं। अभी हम तीसरे नंबर पे जाएं तो यहाँ देखें चिल्ड लिक्विड टेम्परेचर, इसको अगर हम एक बार पुश करेंगे तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है, लिविंग वाटर टेम्परेचर 55.9 डिग्री सेल्सियस, ये फारेनहाइट में दिखा रहा है। और अगर हम बात करें एम्बियंट टेम्परेचर की, यहाँ देखिए एम्बियंट टेम्परेचर है, इसको दबा देता हूँ मैं, तो यहाँ से नजदीक से आप लोगों को दिखाओ एम्बियंट टेम्परेचर कितना है, 87 डिग्री फारेनहाइट है, ये एम्बियंट बाहर का जो हवा का टेम्परेचर होता है वो। और अगर हम बात करें इसके प्रेशर की, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम वन सिस्टम टू, लेकिन इसमें तीन सिस्टम है, तीन कंप्रेसर है, उसके लिए पहले अगर हम सिस्टम वन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ देख लीजिए प्रेशर इसमें दिखाएगा, ये प्रेशर जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे देखिए सिस्टम वन का ऑयल प्रेशर ऊपर दिखा रहे हैं 0 PSI, और जो सक्शन प्रेशर है वो 95 PSI और डिस्चार्ज प्रेशर 93 PSI, ये स्टैंडिंग प्रेशर है क्योंकि ये अभी बंद है कंप्रेसर, और ये R22 गैस का है। और अगर हम इसको दोबारा से सिस्टम वन को ऐसे प्रेस करते हैं, यहाँ देखिए ये सिस्टम टू के बारे में आ गया, सिस्टम टू में भी वही दिखा रहा है, कभी भी बंद कंप्रेसर में ऑयल का प्रेशर नहीं दिखाता है। और यहाँ से सिस्टम वन को दो बार दबाया तो कंप्रेसर वन कंप्रेसर टू आ गया। अभी मैं करता हूँ सिस्टम टू को प्रेस, सिस्टम टू में जब किया यहाँ पे आप लोग देख लें ये आ गया कंप्रेसर थ्री के बारे में, इसमें दिखा रहा है सक्शन प्रेशर 100 और डिस्चार्ज प्रेशर 98 और ऑयल का प्रेशर है 0 PSI। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ऑयल के टेम्परेचर का बटन दबाता हूँ तो ये देखिए सिस्टम वन में आ गया ऑयल का टेम्परेचर 126 डिग्री फारेनहाइट है और सिस्टम टू में 123.2 डिग्री फारेनहाइट है। अगर इसी ऑयल के टेम्परेचर को दूसरी बार दबाएंगे
यहाँ से देख लीजिए कंप्रेसर 3 के बारे में आ गया 125 डिग्री फारेनहाइट। यहाँ पे आपने इस वक्त का देखा। अभी अगर हम बात करेंगे कि अगर इस पे टाइमर आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, कई बार क्या होता है, वैसे टाइमर को कैंसिल नहीं करना चाहिए क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टाइमर जब कंप्रेसर एक बार बंद हो जाता है तो तकरीबन 6 मिनट का टाइमर लग जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि कंप्रेसर को बार बार स्टार्ट करने से कंप्रेसर जल्दी खराब हो जाता है और उसमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसको कोशिश ना करें। मैं वैसे आप लोगों को बता देता हूँ कि कई बार कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ और अगर टाइमर आ गया तो उसमें क्या करना है, ये जो कैंसिल का बटन है यहाँ पे टाइमर स्टेटस जब आप लगाएंगे, स्टेटस का बटन दबाएंगे तो इसमें यहाँ पे टाइमर चलता रहेगा ना 600 सेकंड का, तो उसको आप यहाँ से कैंसिल का बटन धीरे धीरे दबाएंगे तो वहाँ से वो टाइमर अपने आप कम होते होते वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं चिल्ड वाटर लिक्विड टेम्परेचर रेंज। ओके, तो इसमें अगर हम लोग चिल्ड वाटर टेम्परेचर रेंज की बात करेंगे तो उसको अगर हम लोग एक बार दबाएंगे, यहाँ देखिए इसमें आ जाता है ये सेट पॉइंट, यहाँ देखिए ये सेट पॉइंट कितना किया हुआ है 46 डिग्री फारेनहाइट। अगर हमको इसको चेंज करना है तो यहाँ पे हम इसको मैनुअली सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, ये ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है, हम इसको 52, 45 जिस मर्जी पे भी सेट कर सकते हैं, इजिली सेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन क्लिक करके और फिर सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को किसी काम में प्रॉब्लम हो रही हो तो जरूर कमेंट करें, बताएं मुझे ताकि मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।